तो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है और ये मैं मतलब पहला ही ब्लॉग बना रही हूँ मैं, और आप लोगों को सब लोगों को दिखाऊंगी न्यू ब्लॉग कैसा। मतलब मुझे तो पता नहीं कैसा बनाया जाता है, पहला ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग देखकर और सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम लोग आज घूमने जा रहे हैं बड़ा पराठा खाने के लिए, और आप लोग ब्लॉग पूरा देखें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो सारे लोग आप गाड़ी में बैठ गए, हम लोग निकल चुके हैं बड़ा पराठा खाने के लिए। ये देखो सारे लोग हैं, बाबू भी है, गोलू भी है, मुस्कान है, और गाड़ी चला रहे हैं कौन इनको भी भाई देखो। ये मेरे हस्बैंड है, गाड़ी चला रहे हैं, हम सबको लेके जा रहे हैं भाई। और पीछे खुशी है और छोटा बाबू है, वो भी बैठा हुआ है। छोटा बाबू कहाँ है भाई? वो पहले ही सबसे पहले उठ के बैठ गए, अभी सो रहे थे, अब उठ के बैठ गए जल्दी से, उनको भी खाना है भाई। देखो हम लोग रुक गए हैं, और ये हाईवे है, और यहाँ हम लोग शकरकंदी खाने के लिए रुक गए हैं। ये भैया बना रहे हैं नींबू, नींबू ने छोड़ रखा, देख लेना। देखो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अभी ऑर्डर करा है पराठा, अभी देखते हैं कितना बड़ा आता है। और ये सारे लोग हैं यहाँ पर, दुकान है, इस पर हम लोग आए हैं और देखते हैं कितना बड़ा पराठा आता है और खाकर बताते हैं कैसा है। देखो ये पराठा आ चुका है यहाँ पर टेबल पर। अभी ये कौन सा पराठा है? मटर, मटर प्याज आलू, ये मिक्स पराठा है। और अभी पनीर, पनीर वाला भी मंगाया हुआ है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और सब लोग बैठे हुए हैं, देखो खाने के लिए तैयार हैं, जल्दी से आ जाए तब खाएं। यहाँ का फेमस पराठा है यहाँ पर, देखते हैं खाकर तो देखो एक बार ही टेस्ट तो करो। देखो भाई अच्छा है, तुम लोग भी देखो खाकर। हाँ देखो देखो सारे लोग देखो एक बारी कैसा है। अच्छा है पराठा, अच्छा है। गोलू का, गोलू कैसा है पराठा? अच्छा है वही पराठा तो अच्छा है। अभी पनीर का भी आएगा, तब देखते हैं पनीर का कैसा है, पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मतलब यहाँ का फेमस पराठा है तो पसंद ही आएगा सब लोगों को। यहाँ पर देखो भीड़ लगी हुई है, सब लोग आते हैं, संडे को भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। पहले भी मैं आई हूँ, पहले भी हमने खाया है यहाँ पराठा आकर रोहतक में। यहाँ पर ये देखो टूट पड़े हैं सारे लोग पराठे पर, अब मैं भी खा लेती हूँ, आपको मिलते हैं बाद में। लेट करवा दे, घंटा तो वैसे हो गया, घंटा हो गया।
ये देखो दूसरा पराठा भी आ चुका है, पनीर दो प्लाजा है, और ये देखो इसको टाइम लग गया आने में, और अब ये खा के पता चलेगा कैसा है। अगर टेस्ट करके देखो तब पता चलेगा इसका। ये देखो ये शॉप है यहाँ की, कौन आ रहा है? मैं मक्खन लगा रहा हूँ इसमें। ये देखो मक्खन लगा पता चलेगा। बाबू 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 इधर देखो, ये देखो छोटा बेटा, ये देखो ये इसको देखो देखो ये देखो ये भाई इसको देखो लड़के को भाई उसको भी खाना है। बेदू 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 ये देखो देखो बस 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 लाओ ज़्यादा। ये देखो ये गोलू इनको भूख लगी है। इसमें क्या दो प्याजे वाला क्या है? ये प्याज वगैरह देखो। अभी हम लोग सब खाना खा चुके हैं, मतलब पराठा खा चुके हैं, फिनिश हो गया है। अब हमने जलेबी ऑर्डर करी है। आप लोगों ने जलेबी हम बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी जलेबी नहीं देखी होगी। जलेबी के पापा है पूरे, और इसको खाकर देखो कैसी लग रही है। मुझे ये खाने में वैसे तो बढ़िया है, खाकर देखो पूरा खत्म कर लग रही। आप देखो गोलू अब खा कर देख रहे हैं कैसी लग रही है। गोलू खा के देखो खा रही है। मीठी तो होगी जलेबी बहुत ज्यादा। सारा खत्म हो चुका है पराठा, अब जलेबी का टेस्ट करो सब लोग। देखो अब यहाँ पर आकर रुके हैं गुड़ पट्टी लेने के लिए। यहाँ कल बता रहे हैं बहुत अच्छी गुड़ पट्टी है, यहाँ कर खाकर देखी तो बहुत अच्छी है। ये देखो ये मेवा वाली गुड़ पट्टी है, ये बहुत स्वाद है, खा कर देखिए अच्छी है। और ये देखो ये अंकल का नाम, यहाँ पर आए और एक बारी जरूर चखे। हम लोग अंकल दिल्ली से आए हैं, ये दिखाना दिल्ली वाले। हाँ ये देखो आप देखते हो ना उनको ये माल ये अंकल की शॉप है। कै बजे अंकल खुलती है आपकी दुकान? कै बजे? डेढ़ बजे। अच्छा अच्छा रात को रहते हैं साढ़े नौ बजे तक। अच्छा ये अंकल की शॉप है, आप कभी भी आओ जरूर खरीदें, यहाँ पर बहुत स्वाद है। हाँ ये देखो अब हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं, शाम हो चुकी है, बच्चा छोटा है इसलिए निकल रहे हैं हम लोग घर पर। गाड़ी
बाबू रो रहा है, ये देखो बाबू रो रहा है। चलते हैं, बाबू बाबू देखो देखो बाबू बाबू ये देखो बाबू बाबू। ओ चलो चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं पराठों की, फेमस यहाँ रोहतक में ज़्यादातर पराठे पराठे दिखाई देते हैं, ज़्यादातर खाने के लिए ऐसे लगे। आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पर बड़ा पराठा खाने के लिए रोहतक में, वैसे टेस्टी है पराठा यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम आए हैं, हम लोगों ने खाया है यहाँ आकर, बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए आज हम लोग फिर निकले आए खाने के लिए। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है पता है? कहाँ खड़ी है ये देखो, चलते चले जाओ, गाड़ी दूर खड़ी कर दी है, हटो गोलू सामने से। ये देखो हमारी गाड़ी दूर खड़ी कर दी है, चलना पड़ रहा है मुझे। वो खड़ी है हमारी गाड़ी, वो देखो वो खड़ी है बाबू, देखो वो चल रहा है। सर्दी बढ़ती चली जा रही है, शाम हो गई है, शाम हो गई है। चलो भाई चलते हैं, गाड़ी में बैठो। ये देखो बाबू, बाबू बैठ गए, बाबू बैठ गए, बाबू भैया बैठ गए, बाबू तुम बैठ गए गाड़ी पर, बैठे हो कहाँ जा रहे हो? बाबू तो पहली बार निकला है, बाबू पहली बार निकले हैं भाई घर से, बाबू जी हाँ। चलो अंदर खुशी, चलो बैठे हैं। देखो दोस्तों हम लोग अब घर पे आ चुके हैं, और रास्ते में जाम था इसलिए हम लोग मतलब ब्लॉग नहीं बना पाए हैं, और अब घर पे आ गए हैं। और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग देख के बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाबू देखो रो रहा है, गाड़ी में बहुत रो रहा था, वीडियो मतलब आगे के दिखा नहीं पाए थे, कुछ चीज मतलब ऐसी थी जो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था, जाम ज्यादा था, इसलिए मतलब ब्लॉग स्टार्टिंग ही नहीं कर पाए। बाबू भी रो जा रहा था बहुत ज्यादा, और बस ये देखो बाबू, बाबू 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 घर आते ही खेलने लगा, और गाड़ी में रो जा रहा बहुत ज्यादा, ऐसे गाड़ी में पसंद नहीं है। ये देखो ठीक है, ब्लॉग को अब यहीं तक एंड, बाय, ठीक है।